इधर आइए आप, परिवार का दुख बांटे और जो घटना हुई है वो शॉकिंग है सबके लिए, पूरे परिवार के लिए और आम जनता के लिए। और तब बहुत ज्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है और वही बात सामने आई। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी और परिवार को न्याय मिलेगा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा कम हुआ है। हमने आपने उत्तर प्रदेश में देखा है लोग अपने न्याय के लिए आत्मदाह तक कर रहे हैं, तहसीलों में जान रही है, मुख्यमंत्री आवास तक लोग और जाकर के आत्मदाह क्या है। मुख्यमंत्री आवास हो, मुख्यमंत्री के ऑफिस हो, जेलों में जान गई, थानों में, अस्पतालों में और कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। आखिरकार सरकार क्या चाहती है और सरकार का काम करने का तरीका क्या है, इसीलिए हमारा मानना है, समाजवादियों का मानना है कि न्याय हो और सच्चाई सामने आए। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि जो भी कानून व्यवस्था में बाधक बनेगा उसका राम नाम सत्य कर दिया जाएगा। ये भाषा मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती है। इंस्टीट्यूशंस हैं, कोर्ट है, थाना है, तहसील है, वहां न्याय मिलेगा। ये जो भाषा बोली जा रही है ये भाषा इसलिए बोली जा रही है कि वो वोट चाहते हैं, क्योंकि विकास किया नहीं, काम किया नहीं, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की दुख तकलीफ दूर नहीं हुआ, आय बढ़ी नहीं, किसान के सामने किस मुंह जाएगी सरकार। नौजवानों को जो नौकरी छीन ली, पेपर लीक हुए, क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा कि इन घटनाओं से लाभ लेने के लिए सरकार कर रही है या सरकार घटना करा रही है जिससे लाभ ले ले, क्योंकि उनके पास बेरोजगारी का सवाल जो खड़ा है उसका जवाब नहीं है। क्या पेपर नहीं लीक नहीं हुए, कोई सरकार ये बता दे इतने पेपर लीक हुए, एक दो तीन चार पेपर नहीं, नौ नौ दस दस पेपर लीक हुए, कि नौजवानों को क्या जवाब दोगे आप। मैं इनके भाषण सुन रहा हूँ, पेपर लीक पर क्या बोल रहे हैं, बेरोजगारी पे क्या बोल रहे हैं, अग्निवीर का जवाब क्या है इनके पास। इसलिए जानबूझ करके सरकार समाज में हाई बनी रहे जा